इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी की कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौत को लेकर दुख जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि उत्तर प्रदेश की प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी की कोरोना संक्रमण से आज हुई मौत की खबर अति दुखद व काफी चिंताजनक भी है। इस दुखद मौत को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारें दोनों को ही यूपी में कोरोना प्रभाव के बढ़ते प्रभाव को रोकथाम आदि के मामले में अति गंभीर होने की जरूरत है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अंदर प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के आज कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौत से काफी ज्यादा दुख जताया। और उन्होंने कहा कि दुख की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। ऐसे हालातों के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में चिंतित होने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी गंभीर उपाय करने रोकथाम की अति जरूरत उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, उसको किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश सरकार को रोकना चाहिए। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट करके दुख जताया। आपको बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश की प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी का निधन हो गया था और उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।